लाइव, यस वी आर लाइव एंड इंस्टाग्राम जैसा कि हमेशा कहता है वैसा ही इस बार भी कह रहा है कि वी आर टेलिंग योर फॉलोअर्स दैट यू हैव स्टार्टेड अ लाइव वीडियो, प्लीज बताइए। ऑल्दो आज पहली बार मतलब मैं जो है मतलब थक गया हूँ रिप्लाई कर करके। आप देखेंगे तो मतलब मेरे जो अंगूठे में एब्स आ गए, मतलब मेरे इतनी एक्सरसाइज हो गई आज मेरे अंगूठे की। वेल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा सा बता दीजिए मुझे कि मैं ठीक लग रहा हूँ, अपने लुक शुक्स एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, मतलब अपने बाल वाल एकदम परफेक्ट है ना। सो जन्नत इज बहुत जल्दी जन्नत हमें ज्वाइन करेगी और जन्नत जुबैर के लिए लाइव है। आई नो यू गाइज आर वेरी एक्साइटेड, आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू आस्क योर क्वेश्चन। सो जन्नत अगर आप यहां पर आ जाएं तो प्लीज एक कॉमेंट कर दीजिएगा सो दैट आई गेट टू नो दैट यू आर हेयर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लाइव विद माई क्वीन। आई नो आप मुझे थैंक यू बोल सकते हैं। कब बोलेंगे थैंक यू, अभी बोलेंगे कि बाद में बोलेंगे? लव योर लाइव वीडियोज, थैंक यू, लव यू ऑल। मतलब जो मुझे लंडन वंडन से प्यार आने लगा है ना वो मुझे अच्छा लगने लगा है। नहीं, भारतीय तो भारतीय हैं लेकिन बाहर जब दूर देश से भी प्यार आता है तो अच्छा लगता है। खैर जन्नत आ चुकी है अपनी बातें। ऑलराइट, वी आर वेटिंग फॉर जन्नत। मतलब यार एक तो है ना आप लोगों के पास इतनी अच्छी लाइट्स होती है, इतने अच्छे फोन्स होते हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ कि आप में और मुझ में कितना डिफरेंस है। फिल्टर लगाओ मैं। मतलब मेरी कैमरा क्वालिटी देखो आप, ठीक है आ जाएगा अपन भी बहुत महंगा महंगा फोन लेंगे। सेम लग रही है, ऐसा लग रहा है सेम वॉल पे ही हम खड़े हुए हैं। अच्छा ऐसा है। Alright, जनत, first of all, आप मुझे सबसे पहले बताइए कि विकिपीडिया पे जो आपकी एज लिखी है वो सही है? नहीं, वो एक साल छोटी है, I think 2002 born, उसमें लिखा हुआ है, but I'm 2001 born. उसमें 2001 लिखा हुआ है? क्या उसमें वन लिखा है? हाँ तो फिर ठीक है, एक्चुअली पहले उसमें फिर वो सही कराई गई होगी बिकॉज पहले एज गलत थी उसमें, उसमें 2002 लिखा है। So you are 18 years old, right? Yes, I'm 18 years. No. So I'll welcome you first of all. Yes. So I'll welcome you first of all. The queen is here. एक बार आप जितने भी लोग देख रहे हैं, मतलब 12,000, 15,000, लाख, 2,00,000 जितने भी लोग देख रहे हो, एक बार घर पे आप जोरदार से तालियां बजा दो। And she's here. Your queen is here. यार मुझे पहली बार लगा है कि मेरे बॉडी पे तो एप्स नहीं आ पाएंगे बट मेरे थम में एप्स आ जाएंगे क्योंकि मैं रिप्लाई कर करके लोगों को थक गया हूँ, है ना। एंड पीपल आर लाइक, मतलब आपको इतना प्यार करते हैं लोग, इतना प्यार करते हैं। एक्चुअली पता है मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, पीपल आर मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। थैंक यू सो मच सर। अरे ये तो मेरा फर्ज है, जैसे बोलते हैं ना, ये तो मेरा फर्ज है। तो जन्नत सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं, बहुत सारे सवाल हैं, दिस इज अ Q&A सेशन फॉर योर फैंस। आपके जितने भी फैंस के क्वेश्चन है वो हम लोग पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि अभी जो आपका गाना आया है, जिस गाने का नाम है तेरा नाम, राइट, If I'm not wrong, तेरा नाम, तो उस गाने की अगर हम बात करें तो उस गाने की सबसे बेस्ट मेमोरी क्या है? Actually, वो गाना एक साल पहले मैंने शूट किया था, तेरा नाम जो है। अच्छा? हाँ जी, और जब मैं शूट करके आ गई वापस, वो यही इसी टाइम पर शूट हुआ था लास्ट ईयर, उसके कुछ क्लिप्स जो है वो डिलीट हो गए, तो रीशूट करने के लिए अर्मेनिया गए। वही गाना रीशूट करने के लिए हम दोबारा अर्मेनिया गए, और जो उसकी यादगार मेमोरी थी वो ये रहेगी कि जो लास्ट सीन उसका जो शॉट है, वो जो ग्रेवयार्ड है, वो रात को 2:30 बजे हम वहां गए थे और वो असली ग्रेव था। और जब मैं रो रही हूँ, मैं असली में रो रही हूँ बिकॉज मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था, असली ग्रेवयार्ड और रात को 2 बजे, मतलब मैं तो ऐसे शिवर कर रही थी कि जल्दी सब इधर ही रहो, 4 फीट की दूरी में जल्दी शॉट करो एंड आई वांट टू रन। तो आई थिंक वो मेमोरी, आई से दैट वो अनफॉरगेटेबल है बिकॉज ऐसे असली में तो मैं कहीं जाऊंगी नहीं कभी, शूट में भी नहीं जाऊंगी। मैंने तो बोला भी था कि प्लीज असली मत रखना, कहीं बनवा लो, बट देन ऑल ऑफ अ सडन इंडिया में तो हम फिर भी बना देते, बाहर ऐसा सेट बनाना वाज नॉट पॉसिबल। तो वो असली ग्रेव पे शूट किया, रो असली ग्रेव पे रो रही थी मैं, पता नहीं किसकी थी बट या। अच्छा एक बात बताइए, आई जस्ट हर्ड दैट सॉन्ग, मैंने वो गाना सुना, मैं तेरे नाम और तेरा नाम में इसलिए कंफ्यूज हुआ क्योंकि तेरे नाम एक्चुअली मेरा फेवरेट गाना है और तेरा नाम मैंने अभी अभी सुना है। तो मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं जब भी कोई गाना सुनता हूँ तो वो लूप पे चलता है, जैसे मेरा एरोप्लेन अभी तक लूप पे था, मैंने अभी ये क्वारंटीन जब शुरू हुआ था तब मैंने एरोप्लेन सुना था और अभी वो लूप पर है। तो मैं
लूप, मतलब मैं अपना लूप कैसे मानता हूँ, मैं वो नहीं मानता जो स्पीकर में चल रहा है, मैं अपना लूप मानता जो मैं गुनगुना रहा हूँ, लाइक आई एम सिंगिंग माय, हाँ कि तू गड्डिया च फिरदी है हवा विच उड़दा मेरा एरोप्लेन, तो मैं अगर गुनगुना तो इट्स ऑन लूप, तो ऐसा। तो अच्छा, एरोप्लेन जब शूट हुआ था तो उसमें आपके साथ पैसु भी है, सो विच इज द बेस्ट मेमोरी अबाउट दैट सॉन्ग, आई थिंक आई गॉट सो मेनी ब्यूटीफुल मेमोरीज हाँ फॉर एरोप्लेन। आई थिंक एवरी डे आई वॉज मेकिंग लाइक टू थ्री गुड मेमोरीज। हमने वो शेर के साथ में जो शूट किया, फिर हमने पैरिस सीलिंग किया, एंड देन वी वर ऑन द यॉट, एंड यू नो आई थिंक सो मेनी ब्यूटीफुल मेमोरीज। फिर एक दिन जो हमें ऑफ मिला था उसमें वी डिड सो मेनी एडवेंचरस थिंग्स, वी डिड द सी वॉक, I did that for the very first time. So I don't have like one particular thing for aeroplane, which is like I'd say that my favorite or the best experience. I have so many things. So I'd say that Mauritius was one, this trip of Mauritius, it was like one of the best shooting trips for me because I had a lot of fun. So इस वाले में बहुत सारे वो आपको देखने में मिलेगी, हाँ? हाँ मैंने तो ये, बट मैं ये चाह रहा था कि आप मॉरिशस का नाम लें एक्चुअली, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट्स टू नो कि वो वाला ब्लॉग 2 कब आने वाला है। ओह गॉड, यू नो व्हाट, मैं एक्चुअली भूल गई थी वो ब्लॉग के बारे में। नाउ आपने मुझे याद दिलाया, मैं अभी एडिट करूंगी एंड आई थिंक द नेक्स्ट वीडियो दैट आई अपलोड विल बी ऑफ दैट। यू एडिट योर ओन? या सीरियसली, I edit on my own. What to do? We're like all free in quarantine. We need to get ourselves busy into something. Nee, I was like that. You have some team or? Yeah. I thought you have a team and आप तो सिर्फ shoot करते हैं और वो लोग edit करते हैं। I do have a team, but now I feel like अगर जितना काम है वो भी दूसरों को बांट दूँगी, फिर मैं बैठी रहूँगी, मैं bore हो रही हूँ, मैं क्या करूँ? तो उससे अच्छा है खुद ही करो ना। You can utilize your time into something. You know, I get to learn. Exactly. Editing skills अच्छे हो रहे हैं और टाइम भी अच्छा स्पेंड हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ जस्ट वॉचिंग नेटफ्लिक्स आई रादर यू नो उसको इक्वल करके टाइम को एडिट कर दूंगा। तो ये वाला प्रॉमिस रहा दैट यू आर एडिटिंग दैट वीडियो एंड यू विल पोस्ट दैट एएसएपी। या आई विल पोस्ट दैट। मैं एक्चुअली अपलोड करने वाली थी, मेरे दो दिन पहले डैडी ने बाल काटे हैं घर पे, तो मैंने उसका छोटा सा एक ब्लॉग बनाया था, तो मैं वो अपलोड करने जा रही थी नेक्स्ट, बट लेट्स सी आई माइट अपलोड दिस वन। वो आधा एडिट कर चुकी हूं मैं। Tell us about yourself, that how you have started. Like, मैंने सुना है कि आप बचपन से ही you are into movies, you are into television, and ये TikTok तो बहुत बाद में आया है, but उससे पहले से ही आप बहुत काम कर चुकी थी। TikTok आया था जब मैंने TV छोड़ दिया करना। हाँ, so मतलब कैसे starting कैसे हुई थी? Starting हुई थी when I was 6 years old. Daddy always wanted me to act because ये उनका dream था, you know. उनको एक्टिंग करनी थी, बट डैडी वॉज फ्रॉम लखनऊ, तो यू नो मुंबई में ये सारी चीजें होती हैं, एंड यू नो उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं होता होगा लखनऊ में, उस जमाने में सिर्फ डीडी वगैरह आता था। तो 6 years की थी तब मॉडलिंग स्टार्ट किया, जो बच्चों के नहीं होते वो कपड़े पहन के शोरूम्स में पिक्चर्स लगते हैं, उससे स्टार्ट किया था। आई यूज्ड टू गो टू ऑडिशंस नियरली फॉर 2 years, मैं रोज मतलब डैडी लेके जाते थे ऑडिशंस पे, लाइंस कराते थे और कैमरा के सामने जाके आई यूज्ड टू डू नथिंग। मैं बहुत कैमरा कॉन्शियस थी, नहीं कुछ नहीं करती थी, आधा घंटा लाइन याद कराते थे, बताते थे क्या करना है जाके, बट जाने के बाद लोग देखती थी एंड देन आई यूज्ड टू बी लाइक कुछ नहीं करती थी। और मैंने वो नियरली 2 साल तक की किया है, कंटिन्यूअसली किया है मैंने। और तो डैड आपकी इरिटेट नहीं होती थी कि इस बच्ची से मैं एक्टिंग कैसे कराऊं? नहीं, आई एम श्योर कई बार हुए होंगे। हाँ डैडी इरिटेट होते थे आप थोड़ा जब मैं नहीं करती थी ऑडिशन पे कुछ। हाँ वो बोल रहे हैं, वो होते थे थोड़ा, बट उनको पता था ये कर लेगी तो उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैंने आपके डैडी के साथ आपके कुछ वीडियोस देखे यार, मतलब मैं उनका फैन हो गया यार, ही सो यंग, मतलब वो बहुत ही ऐसे यंग से लगते हैं, मतलब आई कांट बिलीव इट दैट ही इज योर डैडी। नहीं फिर हो सकता है वो टिकटॉक वाला स्टाइल आ जाए, सो वो जैसे अभी बहुत एकदम परफेक्ट है। अच्छी बात है ना, डैडी ओके। अच्छा कभी कभी ऐसा हुआ, कभी आपने ऐसा सोचा था, ये एक सवाल है, कभी आपने ऐसा सोचा कि आप अपने डैडी के साथ ही टिकटॉक बनाएंगे जैसे आप अयान के साथ बनाते? बनाया है डैडी के साथ, तो जो बनाती हूँ बहुत। आपने बनाए हैं, आपने बनाए हैं, बट आपने कभी ऐसा सोचा जैसे आप रेगुलरली अयान के साथ बनाती थी वैसे आप रेगुलरली डैड के साथ बनाएंगे, ऐसा कभी आपने सोचा?
रेगुलरली बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी तो ऐसा मैंने नहीं सोचा, लेकिन आई मेक श्योर कि मैं रेडी के साथ काफी बनाऊं, बिकॉज जिसमें रेडी होते हैं वो वीडियो बहुत अच्छे लाइक्स आती है और आधा टाइम डैडी को मनाना पड़ता है वीडियो के लिए, फिर यू नो अभी अभी मैं रेडी नहीं हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ, ये वो, तो डैडी का थोड़ा सा थोड़े से टैंट्रम दिखाते हैं, तो जब डैडी के टैंट्रम पूरे हो जाते हैं फिर वो मेरी वीडियो में एक अपनी अपीयरेंस देते हैं और बस फिर ऐसा कैमियो कर लेते हैं, जैसे सलमान का कैमियो होता है वैसे जन्नत के वीडियो में डैडी का कैमियो। Alright, so there is one more question related to this, कि आयान भी आपके TikTok partner हैं, your dad is also your TikTok partner, तो आयान की एक अच्छी बात और dad की एक अच्छी बात, आयान की एक बुरी बात और dad की एक बुरी बात, dad की बुरी बात तो I think he is very busy. I think यार रेडी को बोलना बहुत पड़ता है एक वीडियो बनाने के पहले, उनको अगर मैं 5 बार बोलूंगी तो वो 1 बार आएंगे ऐसा होता है क्योंकि वो हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड आयान की अच्छी बात तो बहुत बहुत सारी है, मतलब आयान को मतलब याद भी करने का टाइम नहीं लगता है, वो एक बार सुनता है यू नो इज ऑल रेडी, वो वन टेक में कर देता है और वो कॉमेडी बहुत अच्छी करता है, जितने भी कॉमेडी वाले होते हैं ना वो बहुत अच्छी करते हैं, वो वीडियो अगर 10% कॉमेडी है तो आयान उसको 50% कर देता है। और एक बुरी बात भी उसकी है, उसको भी बहुत बोलना पड़ता है, उठ जाओ तैयार हो जाओ आयान, चलो चलो चलो, बहुत बोलना पड़ता है तब जाके वो भी आता है। और डैडी की बहुत अच्छी बात ये है कि डैडी के साथ नॉट ओनली टिकटॉक, मैं कुछ भी ऐसा यूट्यूब का भी मैंने नोटिस किया, कुछ भी बनाती हूँ ना तो डैडी जो मेरा और डैडी का जो रिलेशन है हम लोग बहुत क्लोज हैं, तो कई बार वो वीडियो में मुझे गुड़िया बोल देते हैं या मुझे प्यार कर लेते हैं या ऐसा कुछ भी होता है ना, तो लोग बहुत टच हो जाते हैं उससे कि यू नो वो उनका जो केयर है, जो लव अफेक्शन है वो वीडियो में भी दिख जाता है। So I think, yeah, वो because वो इतना natural है और इतना ज़्यादा है कि वो video में भी reflect होता है, I think that. आपको पता है टच लोग एक्चुअली इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग और जितने भी फैंस हैं आपके वो ऐसे सोचते हैं कि जन्नत ना यहाँ नहीं रहती है, मुंबई में नहीं रहती है, जन्नत कहीं और रहती है, उनको लगता है परीलोक रहती है आप, उनको ऐसा लगता है। तो जब आप अपने डैड के साथ जब आप वीडियोस बनाती हैं या आप अयान के साथ वीडियो बनाते हैं तो लगता है हाँ नो नो शी इज आल्सो नॉर्मल, यस यस शी आल्सो लिव्स हियर, सो दैट्स बिकॉज़ दीस पीपल आर लविंग योर वीडियोस। अच्छा अगला सवाल ये है कि व्हाट इज योर हाइट एंड व्हाट इज योर वेट, पीपल वांट्स टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट यू। 3.5 के बड़े हैं क्या? या यू आर नॉट श्योर अबाउट योर हाइट? I'm sure it's 5'2 and my weight is it was 45 like around 2-3 months पहले लिया था, अभी मुझे पता नहीं increase हुआ होगा कि घट गया होगा। increase तो उनका हुआ 3.5। Daddy बोल रहा है आपके 3.5 के followers increase हो गए। अच्छा अगला सवाल है कि आप ना mathematics में बहुत weak थी, right? Mathematics में हाँ मैं मराठी में mathematics में weak थी। Right. तो आप कभी जब जाती है मार्केट अपनी शॉपिंग के लिए, सो यू यूज्ड टू बार्गेन फॉर योरसेल्फ कि भैया प्लीज कम करो ना? मी एंड माय डैड एंड माय ब्रदर वी कांट बार्गेन, यू नो वी जस्ट कांट, एंड वंस यू वॉक इनटू द शॉप और अगर कुछ सामान पसंद आ गया वो बार्गेन नहीं होता, और ना हम वो शॉप से उस रीजन की वजह से वापस आ जाते हैं, ये काम सिर्फ मम्मी करती है ये सिर्फ मम्मी का काम है, मम्मा कर लेती है बार्गेन चीजों में, बट मैं डैडी और अयान हम बार्गेन नहीं कर पाते। और तो जब बार्गेन नहीं करते क्या आप लोग जब बार्गेन नहीं करते तब कभी ऐसा नहीं होता कि सामने वाला कोई चीज लेकर आया बोलो देख तू 500 की लेकर आई मैं 200 की लेकर आया, ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं ऐसा ऐसा मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है, बट सबसे ज्यादा जो पैसे खर्च करता है वो अयान है। अयान मतलब अच्छा हाँ, अब चाहे वो एयरपोर्ट पे उसका हैमलेस दिखे या कहीं से कहीं जाना हो वो चीज वही टॉय जो उसके पास 3 ऑलरेडी रखे हुए लेकिन कुछ नई चीज वो भी उसको मतलब हर चीज में सबसे ज्यादा जिसको पैसे खर्च करने हैं वो अयान। सो अयान सबसे नॉटी है, अयान सबसे ज्यादा खर्च करता है, अयान सबसे नौटंकी है, राइट? तो अयान इज एवरीथिंग, लाइक अयान इज लाइक ही इज द ब्रांड बिकॉज़ ही इज लाइक द यंगेस्ट वर्जिन इन द अरे I was actually, you know, waiting for him to come. Hi, Ayan. How are you? I'm great. What about you? Dude, you are superb, yaar. I'm your fan. I'm बहुत मतलब मैं सच्ची बताऊँ मैं बहुत मुश्किल से fan बनता हूँ, but I'm your fan, yaar. You are superb. Like the way you act your videos, na.
अमेजिंग अमेजिंग. थैंक यू. कैसा लगता है, हाउ इट फील्स आर व्हेन पीपल बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है. हम लोग जहां पे भी जाते हैं माशाल्लाह से कोई ना कोई तो मिल ही जाता है. हाँ, so there is a question related to you and जन्नत. क्या आप सच में जन्नत को परेशान करते हो? सच में घर में ऐसा थोड़ा बहुत मारधाड़ होती है? मारधाड़ वही बताएगा, होती रहती है. मतलब क्या मारधाड़ नहीं होती है, बहुत लाइक रोज दो तीन बार झगड़ा वगड़ा तो पक्का है, लाइक फिक्स है वो तो. अच्छा, किसी भी बात पे. वो कौन से रीजंस होते हैं जिन पे आप लोग लड़ लेते हो? वही तो, क्योंकि हम लोग जो है ना बिल्कुल भी सेम नहीं है, किसी भी चीज में सेम नहीं है. लाइक को लाइक बहुत ज्यादा क्वाइट काइंड ऑफ है वो, बहुत रिजर्व्ड है, और बहुत ही ज्यादा नॉटी और लाइक हर एक चीज. एक्सट्रोवर्ट. मैं पूरी तरह से इंट्रोवर्ट हूँ और आई एम पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट है. मतलब उस एक्सट्रोवर्ट में भी थोड़े दो तीन एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल दो. इतना ज्यादा मतलब उसको मस्ती करना और थोड़ा ज्यादा फिजिकल होना हर चीज में बहुत पसंद है, और मुझे वो सब चीजों से थोड़ा वो होता है, प्लीज थोड़ा बिहेव. तो उसमें मैंने सुना है, मैंने सुना है आया ना म्यूजिक बड़ा तेज बजाता है घर के अंदर. वो बाथरूम में जब वो नहाने जाता है वो स्पीकर लेके जाता है और वो रैप गॉड और पता नहीं कौन कौन से रैप बजा बजा के सुनता है. और लेकिन अच्छा है, अयान बोला रैप याद करने में कितना टाइम लगा था? क्या क्या मैं पूछ रहा था, बोला रैप याद करने में कितना टाइम लगा था? यू मेड अ वीडियो ना रैप पर जिसमें आपकी बहुत लास्ट में एंट्री होती है, उससे पहले अयान रैप कर रहा होता है ऑन दैट सॉन्ग. अयान को ज्यादा टाइम लगा होगा, बिकॉज़ अयान का जो म्यूजिक सुनने का जॉनर है वो यही है. उसको ऐसे रैप और ऐसे फास्ट सॉन्ग ज्यादा पसंद है. उसमें भी मैं पूरी उल्टी हूँ, मुझे ऐसे टाइप के म्यूजिक पसंद नहीं है. मुझे बहुत स्लो मेलोडी और बहुत ज्यादा सूदिंग गाने पसंद है. तो हमारा गाड़ी में भी अक्सर यही झगड़ा होता है कि मैं गाने लगाऊंगी, नहीं मैं गाने लगाऊंगा, बिकॉज उसको पता है मैं लगाऊंगी तो उसको पसंद नहीं आएंगे. भाई तुम्हें ना तुम्हें एयरफोन में गाने सुनने चाहिए. मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे गाने बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हैं. आई ऑल्सो यूज टू कैरी माई स्पीकर टू माई बाथरूम एंड आई यूज टू प्ले मिलन गावर के सॉन्ग्स, एमिवे के सॉन्ग्स, डिवाइन के सॉन्ग्स आई यूज टू प्ले, और मैं गाता भी हूँ साथ में. तो माई पेरेंट्स आर लाइक फेड अप फ्रॉम माय फ्रॉम दीज हैबिट्स. वो कह रहे हैं कि तुम चले जाओ, तुम बात करो किसी से, कोई तुम्हें गोद लेना चाहता हो तो तुम चले जाओ, 21 साल से हम तुम्हें पाल के परेशान हो गए. दीदी के लिए इतने क्वेश्चन है ना, सी ये भरा हुआ है, 3 pages है मेरे पास. I don't know how to कितने सारे सवाल मैं कैसे पूछूंगा. Okay, so जनाब next question is are you still studying? हाँ जी, I passed my 12th last year, but I'm on a break because I'm a private student. I don't go to college. I've never been to college, so I'm on a break this year, and yeah, we'll continue. Okay. अच्छा, there is one more question. अच्छा, ये लोग ऐसा पूछते हैं कि आप बॉलीवुड में कब एंट्री कर रही हैं, आप बॉलीवुड में कब आ रही हैं. सबसे पहले तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी आपने जो है बॉलीवुड मूवीज कर ली हैं, है ना? बट आई अंडरस्टैंड कि वो मतलब क्या है उनका वो बोलने का, पर मैं उसका जवाब सिर्फ यही बोलना चाहूंगी दैट एवरीथिंग इज गोइंग रियली वेल दिस ईयर अंटिल दिस लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस एंड एवरीथिंग. इसके वजह से बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी चीजें जो है वो डिले हो गई हैं, एंड आई एम वेरी वेरी अनहैप्पी एंड टेंस्ड अबाउट इट. बट आई थिंक वी गोना कम, खत्म हो जाएगा ये, तो फिर बहुत सारी मैं उनको अपडेट दे पाऊंगी. बिकॉज फिलहाल जितनी भी प्लानिंग्स हम कर रहे थे, जितनी भी चीजें हमारी, नॉट ओनली एक्टिंग, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी चीजें प्लान थी, बहुत सारी चीजें होने वाली थी, लॉन्च कर रहे थे, और सडनली ये हो गया जिसके वजह से सब थोड़ा ढीला हो गया, रुक गया है काम. तो जैसे ही खत्म होगा इंशाल्लाह सबको बहुत सारे न्यूज़ मिलेंगे. ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि आप ना बहुत, मतलब कुछ दिन पहले आप ना बहुत इनएक्टिव हो गई थी. ये आपसे कहते हैं कि प्लीज आप ना रोज एक फोटो, रोज एक वीडियो डाला करो. मैं इनएक्टिव हो गई थी इंस्टाग्राम पे. हाँ, ये आपके फैन है, ये एक्चुअली लखनऊ से है, इनका नाम दीपक है, एंड ही सेइंग कि आप प्लीज रोज एक फोटो और रोज एक वीडियो डाला करो. और हो सके अगर आप ज्यादा, वीडियो
अच्छा घर में बैठे कितना एक्चुअली मैं अपना स्टॉक सेव करती हूँ अब, क्योंकि मुझे पता है बाहर जा नहीं सकते और बाहर जाकर वीडियो फोटो बना नहीं सकते, तो इसीलिए कल मैंने जो वीडियो डाला वो मैंने अपने टिकटॉक डाल दिया था। मैं अपने फोटोज का बैंक बना रही हूँ ताकि ये खत्म ना हो जाए और ऑल ऑफ अ सडन ऐसा ना हो कि मुझे एक हफ्ते का गैप लेना पड़ जाए, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। उनको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा और इतने में एडजस्ट करना पड़ेगा जब तक कि लॉकडाउन है। लॉकडाउन में इतना ही मिलेगा ऐसा? सब थ्रो बैक डालना। ओके ऑलराइट, देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि आपका अगला गाना कब आने वाला है, नेक्स्ट सॉन्ग? It's coming on the 28th of April. अभी तक के मैंने पोस्टर भी आउट नहीं किया। I think this is the first time I'm announcing it on your live. 28th of April? Yes. अभी आने वाली है तो? अभी आने वाला है, अभी तक पोस्टर भी डाला नहीं है मैंने। तो मैं वही बोल रही हूँ, मैं पहली बार आपके लाइव में अनाउंस कर रही हूँ। That's super amazing. मतलब अभी तो बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे क्योंकि एक्सक्लूसिवली पता चल गया उन्हें कि 28th of April. अच्छा कितने बजे आ रहा है, could you please tell us? ये मुझे भी नहीं पता। ओके ओके, अच्छा अभी है ना एक बहुत ही पीजे वाला क्वेश्चन है, सो आपको बताना है उसका आंसर। आपको पता है कि गांधी जी हर नोट पर हंसते क्यों रहते हैं? I've seen a video of this. This is a joke. Because वो रोएंगे तो गीला हो जाएगा नोट। ये सवाल का जवाब आज तक नहीं है। This is a very lame question because ये मैंने TikTok पे जोक देखा है। Alright. मूविंग फॉरवर्ड, अच्छा कभी आप अपनी नॉर्मल लाइफ को मिस करती हैं लाइक कि यार काश वो होती जिंदगी कि मैं बाहर जा पाती, गोलगप्पे खा पाती, दोस्तों के साथ उठ बैठ पाती, उनकी टांग खींच पाती, डू यू मिस दैट नॉर्मल लाइफ? नो, आई डोंट मिस दैट नॉर्मल लाइफ बिकॉज़ आई फील द लाइफ आई हैव इज समथिंग दैट एवरीबॉडी विशेस फॉर एंड यू नो इट्स लाइक बहुत लोगों में से आई फील वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई लिव दिस काइंड ऑफ अ लाइफ, सो आई डोंट मिस दैट बिकॉज़। और ऐसा है भी नहीं कुछ के मैं कुछ मिस कर रही हूँ अपने नॉर्मल लाइफ की, जैसे मैं नॉर्मल तरीके से ही रहती हूँ। वो हर चीज हम करते हैं जो कि यू नो सब करते हैं। मैं भी पानी पूरी खाती हूँ, मुझे भी पानी पूरी बहुत पसंद है। आई ऑल्सो टॉक टू माई फ्रेंड्स एंड यू नो आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिली, आई गो टू मॉल्स, आई डू एवरीथिंग दैट अ नॉर्मल गर्ल डज, यू नो आई एम अ नॉर्मल गर्ल, ऐसा कुछ है नहीं। एंड यू ऑल्सो लिव ऑन अर्थ? I live on earth. Because people don't believe in that, no? Okay. कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई close friend या आपकी कोई close friend फंस गई हो किसी problem में और आपने उसकी मदद करी हो झूठ बोल, छोटा सा झूठ या बड़ा सा झूठ, ऐसा कभी हुआ? No. Not really, because I'll tell you, I'm a private student, I don't go to college, और मैं ज़्यादा बहुत regularly school भी नहीं गई हूँ, तो कोई ऐसे school friends मेरे हैं ही नहीं, और जितनी भी friends हैं, वो सब यही feels हैं, everybody is so busy shooting that nobody gets time to, you know, pursue in a problem or something, तो ऐसा फिलहाल तो कुछ हुआ नहीं, everybody is very busy in their own professional lives, so yeah, everyone has sorted. Okay. This question is from South. ये आपसे पूछते हैं कि अगर आपको Tollywood में entry मिलेगी तो आप करना चाहोगे कोई movie Tollywood में? I love Tollywood. We all love South movies. I think the concept, everything, the storyline, everything is fab. And definitely, if it's a good film and अच्छी story है, सब कुछ है, then why not? Bollywood में people are making remakes, so why not? I totally respect and appreciate their work. Okay, who's your favorite actor? Salman Khan is my favorite hero and Shah Rukh Khan is my favorite actor, if you understand that. Yeah, I can totally understand it. Yeah? Because okay. I also follow the same. So I can totally understand that. And who's your favorite heroine and actress? Kareena Kapoor Khan. Yeah. All-time favorite. Okay. All-time favorite. You follow her a lot, right? Kareena Kapoor Khan? Yeah. On Insta? On Insta, because she is on Insta right now. I don't follow. I follow Katrina Kaif and she follows me back. Okay. Oh, that's super amazing, yeah. Achha, tell us, aap Kareena Kapoor ko bahut follow karti hai, right? I love her acting and everything related to acting. Matlab aise unke personal life mein nahi, but unka professionally, yes, I do. Like. Okay. Kabhi aapne bola dialogue कहीं भी ऐसे ही चलते फिरते कैजुअली नॉर्मली मारा है, कौन है जिसने पू को मुड़के नहीं देखा? ऐसा बोला नहीं, बिकॉज़ टचवुड बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग मुड़के देख लेते हैं। दैट्स गुड। अच्छा अनदर क्वेश्चन इज,
अयान अयान की एक ऐसी चीज जो आपको बहुत इरिटेटिंग लगती है। अयान की ऐसी चीज जो मुझे बहुत अयान आई थिंक अयान की ऐसी चीज मुझे बहुत इरिटेटिंग लगती है। ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज तो है नहीं जो मुझे उसकी इरिटेटिंग लगती है, ऐसी कोई आदत नहीं उसकी, बट हाँ आजकल गेम ज्यादा खेलता है, वो मुझे बहुत इरिटेट करता है। ओके, अनदर क्वेश्चन इज डू यू प्ले PUBG? नो Seriously? Seriously. Because there are a lot of people who are asking about your PUBG ID. My PUBG ID, they're asking you. I don't play PUBG. Yes. They're asking about it. कैसे खेलते हैं? I don't know. उसमें क्या होता है? ID से क्या होता है? I don't know anything. There is one user who is saying कि जन्नत के पास ना fake ID है और वो बहुत PUBG खेलती है, but she is not gonna tell us about her PUBG ID. No, she no, no. know very well कि बहुत सारे लोग इसको join कर लेंगे. I don't know. I don't play PUBG, but I'm sure लोगों ने मेरे नाम से ID बनाई होगी. Okay. अच्छा, tell us about your skincare routine. There are a lot of people who are asking about your skincare routine. No, I don't play PUBG, Daddy. My skincare routine. Your dad is saying no that you play PUBG. No, my dad has got that. We have a fake gun in the house, and he's like, you play PUBG with a fake ID. Okay. There are people who are asking about your skincare routine. So I don't have any particular skincare morning routine, but yes, I do have like a night routine where I remove my makeup, I wash my face, and then I spray some rose water, I put a moisturizer, and then I go to bed. आपने अभी अभी एक वीडियो डाला था जिसमें आयान आपका मेकअप कर रहा है, राइट? है ना? तो there is a question from Dubai कि आयान सच में मेकअप कर सकता है, because we need a makeup artist, so could he please help us? Seriously? No. वो मेकअप उसने किया, उसने पहली बार किया, but I think पहली बार के हिसाब से उसने अच्छा किया। ये मैंने बाद में realize किया कि मैंने उसको कुछ बताया नहीं था, लेकिन उसको पता था कि कौन सी चीज कहाँ यूज होती है, तो आई थिंक आप नेटफ्लिक्स पे अभी कौन सी वेब सीरीज देख रही हैं? Gossip Girl. Okay. Do you want to suggest any TikTok tips कि हम लोग किस तरीके से बनाएं और क्या करें? Because there are a lot of people who are asking कि we also want to become famous as like you. So what are the tips and tricks? I think they're very basic tips. I think अभी वो सबको पता चली गई है that you know good lighting is very very important. If you're lip syncing a video, वो आपको line अच्छे से याद होना चाहिए if you're lip syncing. और अगर आप ट्रांजिशन वीडियो ट्राई कर रहे हैं, आई थिंक दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट इन द इनिशियल स्टेज, बिकॉज यू नो इवन आई फाइंड इट डिफिकल्ट, मैं ज्यादा बनाती भी नहीं हूँ. एक्टिंग एंड लिप सिंकिंग इज डेफिनेटली माय थिंग, सो आई थिंक फॉर दैट नो आई डिड से फेक सॉरी. तो या आई थिंक गुड लाइटिंग एंड जो भी लाइन आप बोल रहे हैं वो अच्छे से लिप सिंक, दैट्स ऑल. ओके, अच्छा आप जब टेलीविजन करती थी, व्हिच वाज योर फेवरेट television show? I will say Fulwa. Okay. Yeah, Fulwa. एक सवाल है कि क्या आप शक्तिमान देखती हैं? नहीं, मैंने कभी देखा भी नहीं. सोनपरी यस मैंने देखती नहीं हूँ, बट मुझे बहुत ऐसे थोड़ी थोड़ी सी याद आ रही है बचपन में. पीपल आर एक्चुअली कंफ्यूज्ड, क्योंकि ये मेरे पास एक सवाल आया है कि साहिल प्लीज आप जन्नत से ये पूछना कि वो फ्रूटी थी ना जो सोनपरी में, जो फ्रूटी थी, आप वो जन्नत ही है ना, ऐसा उन्होंने पूछा है. क्या नहीं, जब वो आता होगा सुन पर ही तब मैं क्या आई बेबी मे बी 4 or 5 इयर्स ओल्ड और छोटी होंगी मैं ना सोनपरी के टाइम. नहीं मैं नहीं हूँ. ओके, व्हिच वाज योर मतलब लाइक व्हिच वाज योर फेवरेट, ऐसा कोई भी कार्टून कैरेक्टर आपको कोई फेवरेट हो जो आप देखती थी या देखती हैं? डोरेमोन. डोरेमोन, ओह माय गॉड. अच्छा, डोरेमोन का एनीवेयर डोर अगर आपके पास होता तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप कहाँ जाना चाहती हैं? इसलिए हाँ, घर से बाहर नहीं निकलती. अगर एनीवेयर डोर होता तो भी नहीं, घर से घर में जाना है ना. एनीवेयर डोर होगा तो मैं तो घर से घर में चले जाऊंगा ना. घर से घर में चले जाऊंगा मतलब अगर मेरे पास if I have the anywhere door और मुझे आपके घर में आना है, so I can easily open that and I can come to you. Oh, like that. Yeah. बाहर जाने के लिए मना कह रहा हूँ, घर से घर में तो जा ही सकते हैं. Right, you got a point.
सो आप कहाँ जाना चाहेंगे अगर आपके पास एनीवेयर टूर होगा तो? मेरे पास एनीवेयर टूर होगा तो आई थिंक माय होल फैमिली इज इन लखनऊ, फ्रॉम मेरे डैडी के साइड की सारी फैमिली, और तो आई थिंक एक एक करके सबके घर पे, वहाँ पे, फिर यहाँ पे नाना नानी है, फिर एक एक डोर खोल के वहां पे विजिट करूंगी, बिकॉज सबसे मिले हुए लखनऊ वालों से मिलकर तो आई थिंक 3-4 महीने हो गए मुझे लखनऊ गए हुए, और यहाँ पर ही जो लोग रहते हैं उनसे मिलकर भी 1.5-2 महीने हो गए, तो आई थिंक क्या। अच्छा अभी एक सवाल है आपको बताना है कि डोली सज धज के क्यों बैठी है? क्या डोली सज धज के क्यों बैठी है? डोली सच धज के क्यों बैठी है? दिस इज द पीजे अगेन, इट्स अ लेम क्वेश्चन, सॉरी फॉर दैट, आई हैव नो आइडिया वो सच धज के क्यों बैठी है, आई डोंट नो, सो दैट पीपल कैन कम एंड टेक पिक्चर्स विद हर, आई डोंट नो, यू आर वेरी क्लोज टू इट, आई वाज क्लोज टू दैट, या यू आर वेरी क्लोज टू द आंसर, आई होप नोबडी इज हेल्पिंग यू देयर. Nobody is helping me. Nobody. Ayan is busy playing games. My dad is reading some mails, and my mother doesn't even care. I don't know. Okay. So a Dolly sans dutch ke kyun baithi? You can say that ki maine haar maani, and I'll tell you. Maine haar maani. Dolly sans dutch ke isliye baithi kyunki kisi ne unse kaha tha ki mehndi laga ke rakhna, Dolly saja ke rakhna, lene tujhe ugori aayenge tere saath. Okay. ठीक है. Okay. So, मैं जीत गया, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. There is one more question. What is your quarantine routine? Like, what are you doing? आप कितने बजे उठती हैं? कितने बजे आप सोती हैं? रात में आप कितना लेट तक वीडियोस देखती हैं या चीजें देखती हैं? Okay, तो quarantine routine काफी चेंज हो गया है, और ऐसा हो गया जो नॉर्मल लाइफ में रूटीन में कभी रहा ही नहीं. हम लोग हमेशा से ही 11, 11:30, 12 तो मैक्स हम लोग पूरी फैमिली बेड पे गए. हम लोग अर्ली राइजर्स हैं, लेकिन क्वारंटाइन के टाइम पे हम कल हम सोए हैं गैस 2:30 बजे, हम सब बैठ के लूडो खेल रहे थे, और सुबह उठे हैं हम 12 बजे. तो या फिलहाल ये रूटीन हो रहा है, बट इट्स काइंड ऑफ नाइस, थोड़ा सा रूटीन से हटके अच्छा लग रहा है, यू नो, वी जस्ट लाइक हम नॉर्मल अच्छी तरह से तो हमेशा से उठते आए और सोते आए, बट अभी थोड़ा सा रूटीन से हटकर मजा आ रहा है. आप लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे पहले क्या करने वाली? सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ? क्या करने वाली हूँ यार? I think I miss driving. मैंने अभी-अभी actually मैंने सीखी थी driving last year, लेकिन अभी-अभी मैं regularly चला रही थी. डैडी को ले जाके, मतलब मैं चलाने लगी थी, डैडी ने मुझे गाड़ी दे दी थी हाथ में, बिकॉज मेरा लाइसेंस वगैरह सब अब क्लियर हो गया. और अभी जैसे ही स्टार्ट किया ड्राइविंग करना, वैसे ही लॉकडाउन हो गया. तो अभी आई एम बिट स्केर्ड कि मेरा जितना हाथ साफ हुआ था चलाने में, अब वो फिर से खराब ना हो जाए. सबसे पहले मैं देखूंगी कि मैं अच्छे खासे चला रही हूँ या नहीं. और दूसरी चीज, मैं आई थिंक उससे लॉकडाउन से मतलब नहीं, बट मैंने ऑलमोस्ट 1.5 महीने से चिकन नहीं खाया है. और हमारे घर में चिकन ही नहीं आया है. और हम ऐसे कि हम हाँ कोई भी मील जो है वो विदाउट चिकन नहीं नहीं खाते थे. तो आई एम लाइक बैडली मिसिंग चिकन एंड द डिशेस. आई एम आल्सो एक्चुअली आई एम आल्सो मिसिंग दैट चिकन. आई वुड गो फॉर अ चिकन बिरयानी. हमारे यहां पर एक बहुत अच्छी चिकन बिरयानी मिलती है, सो आई विल गो फॉर दैट. डोंट टॉक अबाउट फूड बैडली, स्पेशली बिरयानी. ओके, there is another question related to food, sorry for it, but yeah, what is your favorite dish? Biryani is like my all-time favorite. I love chicken crispy. Chinese my favorite cuisine, so I'd say chicken. Bas. मैं नहीं सुन पाऊंगा और. अच्छा, there is one more question. Do you remember कि आपके कोई fan ने आपके लिए बहुत ही crazy सी चीज करी? And you still remember? I think a lot of crazy things happened, but this is one thing that doesn't leave my mind. और जब भी मुझे किसी ने ये पूछा है, मैंने यही बोला है कि there's this fan of mine, she stays in Bangkok, और उसने अपने हाथ पे मेरा नाम और मेरा picture tattoo करवाया. Actually, so, people are the craziest thing anyone could ever. Tattoo is okay. See, tattoo is okay, but people are actually cutting their hands. So the people who are actually watching, because I also got some of the photos, some of the pictures. That kind of craziness for anyone, not just me, but anyone. I think hurting yourself.
आई थिंक वो बिल्कुल भी सही नहीं है. और आई एम वेरी थैंकफुल कि आई हैव नेवर कम अक्रॉस दिस सिचुएशन कि मुझे किसी ने डीएम किया या किसी के थ्रू मुझे पता चला दैट यू नो ये आपको कोई फैन है या आपकी फैन है इसने ऐसा कुछ किया है. थैंकफुली मेरे फैंस काफी सेंसिबल और ऐसी हरकतें नहीं करते हैं. और अगर कोई किसी और के लिए भी कर रहा है तो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस, इट्स अ हंबल रिक्वेस्ट, डोंट ट्राई इट ऑन योरसेल्फ एट ऑल. इट्स फूलिश. एग्जैक्टली, बिकॉज़ या इट्स नॉट वर्थ इट फॉर एनीवन, नॉट इवन योरसेल्फ. आप खुद को हर्ट करोगे, आप लोगों को ये बचाने नहीं आ पाएंगे क्योंकि इनको पता ही नहीं चलेगा एक्चुअली. सो प्लीज डोंट डू इट यार, आप लोग कर रहे हो तो ऐसा कभी मत करना. एक्चुअली आई गॉट द डीएम यार, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट. एक्चुअली आई गॉट द डीएम, दैट्स व्हाई आई एम, मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया. आई एक्चुअली रॉट अ पूरा मैसेज, मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया. मैंने कहा डूड दिस इज नॉट द वे, इफ यू आर डूइंग इट प्लीज डोंट डू इट. तो उन्होंने कहा ठीक है, बट अभी मैंने लिख लिया है. मैंने कहा बट डोंट डू इट यार, बोला आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप बताओगे. Yeah, he did it. He actually did it. He sent me the video. So please don't do it, यार. अगर आप लोग में से ऐसा कोई भी, इससे कुछ भी नहीं होगा. ना उन्हें अच्छा लगेगा, ना आपको अच्छा लगेगा. Because आपको भी बहुत ज़्यादा पता भी नहीं चलता कि ऐसा कुछ. Exactly. But I'm actually feeling so sad for him. So जितने भी लोग देख रहे हैं, please don't do this. Promise this to Jannat कि आप लोग कभी भी ऐसा नहीं करो. नीचे सब promise, promise, promise लिख के भेज दो. पक्के से. Alright, another question, let's move on. अगला question ये है कि अगर जन्नत जन्नत नहीं होती तो क्या होती? Like whatever you are doing, अगर आप नहीं होती तो आप क्या होती? तो मैं normal student होती, मैं पढ़ाई में काफी ज्यादा focus होती और वही सब करती. और अगर मैं actor नहीं होती या you know influence नहीं कर रही होती लोगों को, तो मैं सिंगर होती. बिकॉज मुझे गाना, अभी मैंने गाया है गाना, बट थोड़ा और एक्टिवली मतलब यू नो सिंगिंग कर रही होती प्रॉपरली, एवरीडे बैठ के रियाज कर रही होती दो दो घंटे. आई थिंक या सिंगर. हाँ, यही आगे रिक्वेस्ट है कि गाना आपकी परमिशन के साथ, ये बस वही है भाई, मैं इसलिए आपकी परमिशन देना चाहता हूँ कि इज इट पॉसिबल दैट यू कैन सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, नॉट फॉर मी, फॉर हिम. ही इज आस्किंग. I think it is not possible. let's keep it. Because I'm also very scared of. I know. और ऐसे नहीं होता है खड़े खड़े गाना गा दो और गाना गा दे. You know you need to prep your गला for that. Obviously. Yeah. Okay, let's move on. अच्छा, अगर आपको कोई गाना गाना होता तो आप कौन सा गाना गाती? बस आप ये बता दीजिए. मैं अपना ही गाना गाती जो मैंने गाया था इश्क फर्जी. Okay. अच्छा, अगर हम बात करें एरोप्लेन सॉन्ग की, which is your favorite line? From that song, I think the hook. I think it's very very catchy. Yeah. जब आज तू गाड़ी आज फिरती है हवा भी छोड़ता है मेरा पीना. I think the hook is very catchy. अच्छा, there is one more question. क्या आपने जब aeroplane song की shooting करी थी, so उस गाने में एक बार ऐसा होता है कि plane उड़ता है, right? From that. ठीक है, तो क्या सच में आप उस प्लेन में बैठे थे? क्या आप हाँ. सच में प्लेन में थे या हाँ. फिर वो कोई और उड़ा के ले गया और उसे शॉट था? दिस इज हाँ, या अगर मेरा ब्लॉग आपने देखा होगा तो मैं उसमें बैठी थी और पायलट बैठे थे. और मुझे फ्लाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है. सबसे ज्यादा मुझे डर फ्लाइट से लग रहा है. और मैं जाकर पता नहीं क्यों बैठ गई. और जब वो अंदर जा रहे थे, यू नो ही वाज लाइक कि मौसम थोड़ा खराब हो रहा है तो मुझे थोड़ा और स्पीड से, और मैं डर गई. मैंने कहा मौसम खराब, मतलब यहाँ पे भी टर्बुलेंस झेलना पड़ेगा. और जब मैं बैठी थी ना, तो वहां का मेरे ब्लॉग में देखोगे तो एक छोटा सा खिड़की जैसा एक होल है, इतना बड़ा. See, I saw that. This guy is asking. उसमें से जाके पता नहीं क्यों I was like, मैं बाहर अपना हाथ निकालने जा रही थी और एयर प्रेशर इतना था कि अगर मैं एक सेकेंड अपनी उंगली और बाहर ले जाती तो मेरी उंगली टूट जाती. हाँ, मुझे पता नहीं था कि हाथ बाहर नहीं निकालना है. बच्चों की तरह हाथ बाहर, उंगली अपनी बाहर निकाल रही थी उससे. और इतना ज्यादा प्रेशर था कि उसने बोला कि कीप योर हैंड इनसाइड वरना मेरी उंगली टूट जाती. तो मैं बैठी थी. ओके, सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम दीपाली एंड शी इज आस्किंग वन थिंग यू रिग्रेट अबाउट योर लाइफ एंड व्हाटएवर यू हैव डन. वन थिंग आई रिग्रेट? नथिंग सो फार. You don't regret for your quarantine routine? I am actually, I also. No, I don't regret for my quarantine routine. No. Because this may be a quarantine routine, but this is also something that I've made for myself. You know that ke main itne time pe uthungi, then I need to pray, then I need to help mama in the kitchen, then I need to do some household work, then I get ready, I make my videos, I edit, I watch Netflix,
I play Ludo with my family. So this is nothing to regret about. Okay. That means you're enjoying it. I'm enjoying it, yeah. It's just a phase. You should enjoy it. That's pretty good. So what is your dream? My dream? Oh, my dream. I think there's so many things I never thought about in past 2 years. I think my dream is just to continue the love. And you know, it's difficult to reach at some level, but it's even more difficult to sustain it. So I think unke wishes ko fulfill karna aur jo bhi wo mujhse expect kar rahe hain wo sari cheeze fulfill karte rehna usko sustain karna is pyar ko, I think that will be my dream. Acha, there is one more question. Have you ever pat yourself and you're like, I did it, maine kar dikhaya, aisa kabhi hua hai? I never did that. I've never did that. बट या बहुत बहुत बार मुझे मैं बहुत खुश हुई हूँ अपने आप से जब बहुत बार अवार्ड मिला है, स्टेज पे गई हूँ, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, बहुत मम्मी डैडी ने तारीफ करी है. सो या आई हैव बीन प्राउड ऑफ माय सेल्फ सो अ लॉट ऑफ टाइम्स. ओके, यहाँ पर एक सवाल है कि हमने आपकी मम्मी के बारे में बहुत सुना है कि दैट शी इज सो स्वीट, वो बहुत ही ज्यादा काइंड है, वो हर किसी की बहुत ज्यादा हेल्प कर देती है. तो सबसे पहली चीज तो क्या ये सच है? बिल्कुल सच है, बिल्कुल बिल्कुल सच है. अच्छा, अगर ये सच है तो आपने सबसे सबसे खराब एक्सपीरियंस कब किया है जब उन्होंने ऐसी कुछ चीज करी और यू आर लाइक व्हाट शी इज डूइंग, ऐसा कभी आपको लगा है? ऐसा बहुत बार तो हुआ है कि मैंने सोचा है मम्मा मतलब कम ऑन, बट नथिंग आई रिमेम्बर राइट नाउ. लेकिन बहुत बहुत चीज हुई, मतलब मम्मी को मेरे डांटना भी नहीं आता. सो तो वन टाइम आई रिमेम्बर आई वाज ऑन माय सेट और मम्मा मुझे डांट रही थी किसी बात पे एंड शी इज लाइक जन्नत अब क्या कर रहे हो, व्हाट इज दिस. मतलब उनका डांटने का तरीका भी ऐसा था कि आई रिमेम्बर मेरी फ्रेंड बैठी थी और वो उनका मजाक उड़ा रही थी, आंटी आपको डांटना भी नहीं आता. वो अपनी मम्मी को बोल रही थी कि मम्मा देखो जन्नत की मम्मी डांटती भी ऐसे है, आप ऐसे डांटा करो. तो मेरी मम्मा इज यू नो टोटली उस टाइप की, मतलब मम्मी को डांटना भी नहीं आता, मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम डांट कब खाई थी मम्मा से. तो बहुत ही बढ़िया, ऐसी मम्मी सबको मिले. मेरी मम्मी डांटती बहुत अच्छे से है, प्यार भी बहुत अच्छे से करती है, बट डांटती भी बहुत अच्छे से है. सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन, बहुत सारे बस अभी हम लोग बहुत कम क्वेश्चन लेंगे. देयर इज वन मोर क्वेश्चन एंड दैट इज कि अगर आपको कोई फिल्म करनी होती तो आपको लगता है कि जो ऑलरेडी बन चुके हैं, लाइक Let's suppose we'll talk about Bareilly Ki Barfi and these all our films. तो अगर आपको उन फिल्मों में से किसी एक फिल्म में एक्ट करने का मौका मिलता तो आप कौन सी फिल्म में करती? जब भी मैं. ओके, गीत. जब भी मैं इज माई फेवरेट सॉन्ग, फेवरेट मूवी, सॉरी. गीत इज माई फेवरेट कैरेक्टर. आपने वो गाना सुना है तुमसे ही? क्या? तुमसे ही गाना सुना है जब भी मैं का? तुमसे ही दिन होता है वो वाला. हाँ, उसके बाद सब कुछ आने का, वो गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है. ओके, अभी एक सवाल है, एक ऐसी चीज बताइए जो आप सिर्फ ब्रेकफास्ट में खा सकती हैं. जो मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट में खा सकती हूँ? कौन सी चीज है जो आप ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकती? दिस इज द क्वेश्चन. ब्रेकफास्ट में जो मैं नहीं खा सकती? Exactly. आप जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज आप नीचे से अपने अपने जवाब भेज सकते हैं अगर आपको इसके जवाब आते हैं तो. आई विल से वो जो इट्स वेरी हेल्दी दो, वो मेरे घर में सबको पसंद बहुत है, वो कॉर्नफ्लेक्स और उसमें ड्राई फ्रूट्स मिला के नहीं आप दूध में सब खाते हैं. इट्स वेरी हेल्दी बट आई कांट ईट दैट. आई डोंट लाइक ड्राई फ्रूट्स. आई कांट ईट आलमंड्स एंड यू नो किशमिश और अखरोट, ये सब चीजें. ये सब बहुत है. इट्स अ लेम क्वेश्चन. इट्स अ लेम क्वेश्चन अगेन. कैसी कौन सी? एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर दिस. ओके. अरे नीचे 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 जवाब भी आ गया, पता है? आंसर भी आ गया नीचे. हां, क्या? हैव यू सॉ दैट? नो. लंच एंड डिनर. यू कैन ईट इन योर ब्रेकफास्ट. सॉरी. वहां पे नीचे लिखा हुआ है कि थप्पड़ आप ब्रेकफास्ट में नहीं खा सकते. Oh,
माफी, तहे दिल से माफी, क्षमा कर दीजिए हमें माते। अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन कि अगर आपको साहिल से तीन सवाल पूछने हो तो आप क्या पूछेंगे? मैं आपके शो जो आप वीडियो पे करते हो उसका नाम क्या है? ओके, सो उसका नाम है बकरबाज साहिल, बिकॉज आई एम लाइक ऑलवेज बकर बकर बकर। तो उसका मतलब ये है। वैसे मेरा दूसरा क्वेश्चन ये होने वाला था कि उसका मतलब क्या है। नहीं, और अभी आप अभी मैं उसका मतलब उसी में खत्म कर देता हूँ, आप दूसरा सवाल दूसरा पूछा। सो उसका अच्छा मतलब ये कि बकरबाज साहिल, आई एम लाइक सी ऑलवेज रेडियो शो जितने भी होते हैं वो मॉर्निंग शो जो होते हैं वो बहुत सीरियस होते हैं, लाइक ऑलवेज सम न्यूजी कंटेंट एंड वेरी सीरियस कंटेंट, वेरी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। बट आई यूज टू डू लाइक मैं ऐसा शो करता हूँ जो बहुत चिल है, सुबह सुबह मैं इन्फॉर्मेटिव करता हूँ बट ऑलवेज विद अ फनी टेक। हाँ, कि जैसे अमेरिका में 1 साल के लिए स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए, सो लाइक ऐसा हमारे यहाँ भी हो जाए, मतलब हमारे यहाँ पे कोरोना ना हो बट हमारे यहाँ पे भी स्कूल कॉलेज 1 साल के लिए बंद हो जाए तो कितना अच्छा लगेगा। सो इसलिए मैं इस टाइप का शो करता हूँ, मेरा शो का नाम बकरबास है, सेकंड क्वेश्चन। So you always wanted to become a radio jockey? या आई डिसाइडेड इट इन माय 10th क्लास। एक बार मेरे पापा ऐसे हम लोग किसी शादी में गए थे तो बोला ये बहुत बोलता है तो हम इसको रेडियो जॉकी बनाएंगे, तो मैंने तब से सोच लिया था कि यार मुझे रेडियो जॉकी बनना है। Okay. So what is your goal? व्हाट इज माय Goal. गोल? Life. यार गोल मुझे ऐसे गोल मैं ऐसे मैंने ऐसा सुना है, मतलब ऐसे बड़े मैं इतने सारे लाइव कर रहा हूँ ना, तो इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ लाइव कर रहा हूँ, सो दे आर ऑलवेज लाइक कि गोल किसी को बताना नहीं चाहिए। Oh, that's इज दैट nice. ट्रू? I don't know because मैंने फिलहाल मैंने खुद ऐसा कुछ सोचा नहीं कि what will be my goal या कुछ भी ऐसा. That's fair enough. बस हमें एक बात पूछनी है मुझे, एक लास्ट की, आर यू लिटरली कमिंग टू दी बॉलीवुड नाउ? दैट्स माई लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। आर यू लिटरली कमिंग टू दी बॉलीवुड नाउ? बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर यू टू सी यू ऑन द बिग स्क्रीन, टू सी यू नेक्स्ट टू दी सलमान खान और नेक्स्ट टू दी शाहरुख खान आई एम ऑन नॉट श्योर इफ आई एम प्लीज कमिंग नेक्स्ट प्लीज। टू सलमान खान और शाहरुख खान बट या आई एम कमिंग टू बॉलीवुड. ओके, दैट्स अमेजिंग, दैट्स ट्रू। बहुत मजा आया मुझे बात करके। आई हैव मुझे नेवर एक्सपेक्टेड दिस कि इतना अच्छा जाएगा लाइव। आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड दिस कि हम भी लोग एक्चुअली लाइव कर लेंगे, मतलब अच्छा जाएगा क्योंकि मेरे साथ मैं पर्सनली, मतलब सॉरी टू से दिस बट मेरे साथ, क्योंकि मुझे ना कंफर्टेबल, मुझे एक बार कंफर्टेबल होने लगता है ना तो मुझे बहुत मजा आने लगता तब है, एंड आई कंफर्टेबल फील हुए. दैट बहुत ज्यादा। आई वाज एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल स्माइलिंग ना, इफ आई एम स्माइलिंग देन आई एम कंफर्टेबल, इफ आई एम नॉट स्माइलिंग आई एम वेरी स्केयर्ड। या तो मैं गॉट डरा हुआ इट. होता हूँ या मैं कंफर्टेबल होता हूँ, देयर आर दो ही ओनली स्टेजेस है इसका, टू। कुछ नहीं है. ओके या ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक आप इस बार अपने फैंस को क्या कहना चाहती हैं प्लीज आप कह दीजिए, एंड देन विल डू द स्मॉल कमेंट एंड आंसर सेक्शन, लाइक पीपल विल कमेंट देयर क्वेश्चंस एंड आई विल आस्क यू। ओके, यू. मैं ये कहना चाहूंगी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आरजे साहिल. और मैं खुद बहुत टाइम से लाइव नहीं आई थी तो आई होप आप में से जिसके भी क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पूछे हैं आप लोग खुश होंगे. और फिलहाल अगर कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं जिसने मिस कर दिया डीएम करना तो आप मुझसे पूछ सकते हो, हम यहीं से पढ़ के आपको जवाब देंगे. ओके, क्या आपको गुजराती आती है? केम छो मजावा, बस इतनी सी आती है। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि आपके बाल पहले बहुत लंबे थे लेकिन अभी छोटे हो गए, ऐसा क्यों? पहले मेरे बाल बहुत लंबे थे, उसके बाद अभी जो नेक्स्ट थे वो यहाँ तक थे और 2 दिन पहले इतने हो गए हैं. और मैं मतलब मुझे बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी बिकॉज मेरे पेरेंट्स को बिल्कुल छोटे बाल पसंद नहीं है, बट हो गए क्योंकि हमेशा से बाल मैंने लंबे रखे थे इसलिए फॉर अ चेंज अब छोटे किए. ओके, माय वे सीरीज कब आने वाली? माई वे सीरीज फिलहाल मुझे नहीं पता कब आने वाली है बिकॉज जो भी वीजा प्रोसेस था सारी चीजें थी इतनी मुश्किल से वो हो रहा था बिकॉज इट्स जस्ट नॉट अ नॉर्मल टूरिस्ट वीजा, वर्क वीजा था. और जब अप्लाई किया था तब मैं 18 भी नहीं थी तो काफी प्रॉब्लम्स हो रहे थे और जैसे ही दिखने लगा कि सब ठीक हो रहा है उसके बाद ये प्रॉब्लम हो गया. सो राइट नाउ आई हैव नो आइडिया कब वो पॉसिबल हो पाएगा. ओके, एनी सॉन्ग विद सिद्धार्थ शर्मा इज कमिंग? या इट वाज कमिंग लास्ट मंथ ओनली, मेरे ही यूट्यूब चैनल से हम लॉन्च करने वाले थे यूट्यूब चैनल, बट वो भी अब होल्ड पे चला गया है. ओके, आर यू लविंग योर शॉर्ट हेयर? आई एम लविंग इट, एब्सोल्युटली इन लव. ओके, आप नेक्स्ट लाइव कब आना चाहेंगी? क्या आप आरजे साहिल के साथ अगली बार कभी लाइव आना चाहेंगी? हाँ दिस इज द क्वेश्चन, बिल्कुल आना चाहूंगी अगर वो अपने वो लेम क्वेश्चन स्किप करें तो.
नहीं मैं लेम क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा, पता है एक्चुअली आई एम एंजॉयिंग इट, पता है मुझे इतना अच्छा लगता है ना, पता है लाइव करने के बाद इतने सारे लोग आते हैं मेरे डीएम में, मुझे सिर्फ ब्लेसिंग्स देते हैं, एंड आई एम एक्चुअली वेरी 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 हैप्पी फॉर उस ब्लेसिंग्स के लिए कि यार इतने सारे लोग आते हैं, मैं इतना सा काम करता हूँ, लोग इतने सारे ब्लेसिंग्स, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. अच्छा देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि टू थिंग्स यू लाइक अबाउट साहिल. अरे ये मैंने कैसे, सॉरी ये तो मुझे मिस करना था बट मैंने पूछ लिया. I've never met you or anything, but I think आप comfortable हो, but I think बहुत अच्छी quality ये भी होती है कि जो सामने वाला है उसको भी आप comfortable कर दो, because it's like the first time we are talking, so you made me very comfortable and you look very very peppy and you look like a very happy soul and that's a very good thing. You look very positive, so I think yeah, this is what थैंक यू सो मच. मैं पूछना ही भूल गया था एक्चुअली, जब आपने मुझसे पूछा था मेरे पे दिमाग ही नहीं है, मैं पूछना ही भूल गया था कि आपने जब मुझसे पूछा था कि आर यू कंफर्टेबल, तो मुझे भी तो पूछना चाहिए था कि मैंने भी कंफर्टेबल फील कराया कि नहीं कराया, मैंने बता दिया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने. या ऑलराइट, सो अनदर क्वेश्चन इज, क्या आप मेकअप हमेशा करती हैं या कभी कभी ओकेजनली करती हैं? नहीं, मेकअप में जब भी मुझे वीडियो बनाना होता है तो उस हिसाब से मैं वो मेकअप करती हूँ, अगर नहीं बनाना होता है तो नहीं करती. ओके, हु इज योर क्रश लाइक इन बॉलीवुड और एनी, मतलब पूरे इस दुनिया में? नोबडी एक्चुअली, आई डोंट गेट टाइम टू स्टॉक पीपल और यू नो थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस. आई एम टू ओके बिजी स्टॉकिंग माय फैन पेजेस एंड यू नो चेकिंग माय हैशटैग. ओके, अच्छा यू चेक योर हैशटैग्स? I check my ओके hashtag दैट्स Gangan इंटरेस्टिंग. Zubair because I get to see everything under that आई hashtag, ऑल्सो you डू know? दैट बट मेरे इतने नहीं होते, बट आई ऑल्सो डू दैट. पता है देर आर लॉट ऑफ फैन पेजेस जो, पता है अभी क्या हो रहा है, आई एम डूइंग दीज लाइव सेशंस नो, तो आई पुट इट अप द स्टोरी कि आई एम कमिंग लाइव विद चंदन सुबह, तो किसी ने तो कोई अपने ही लोग बाग डाल रहे हैं अपनी फोटो लगा के उसपे, दैट आई एम कमिंग लाइव विद आरजे साहिल एट 9 PM, डोंट मिस इट, डोंट मिस Yeah, दिस. the editor, मैंने कहा भाई those staff, they're very good at it. कई बार तो मुझे धोखा हो मैंने कहा जाता है कि मैं अरे नहीं आ मेरी रहा हूं आपके साथ गलती लाइव, मैं कहा मैं आपके साथ लाइव नहीं आ रहा, मुझे जन्नत के साथ जाना है. बोला नहीं लेकिन आप उसके बाद हमारे साथ आ रहे हैं, हमने अपने फैंस को कह दिया. मैं कहा ठीक है, दैट्स ओके ओके. देयर इज वन मोर क्वेश्चन, क्या आपको सच में मेकअप करना अच्छा लगता है? है. आई लव मेकअप. ओके ऑलराइट, दैट्स इट, थैंक यू सो मच. जितने भी लोग देख रहे हैं, दिस इज आरजे साहिल फ्रॉम रेडियो मिर्ची. आई होस्ट द मॉर्निंग शो फॉर रेडियो मिर्ची 7 AM to 11 AM, एंड शी इज, क्या बताऊं मैं, शी इज द क्वीन, आई कैन कॉल अ क्वीन, Hi एनी अदर guys, I'm क्वीन Gangan बिकॉज Zubair. नो, यू आर क्वीन एंड यू आर एक्चुअली रूलिंग द हार्ट्स, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू, मैं जितना थैंक यू बोलू ना Thank you for उतना कम है. having आई me. थिंक मैं आपके डैड को बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार, हाँ? ही इज वेरी स्वीट, ही इज वेरी स्वीट यार, उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया मुझे. ओके देर इज अ नेटवर्क प्रॉब्लम आई थिंक. All right. Maybe we'll get back soon. There is a network problem. What it is? ऐसा थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना ब्रो. नहीं, अपना नहीं, वहीं से ही. ओके सो शी लेफ्ट यार बिकॉज ऑफ सम नेटवर्क इशू. वेट आई जॉइन हर अगेन. ओके शी इज देयर. Okay, we are waiting for सॉरी माय फोन स्विच्ड ऑफ, her. एज Okay. इन पता नहीं क्या हो बंद हो गया. गया अच्छा था. यार अभी अभी मैं जब आप गई तो मैंने दो तीन बेसिक क्वेश्चन बहुत है, मैं चाहता हूँ कि आपके आप अपने फैन का कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें. थोड़ा थोड़ा प्लीज, आपका फेवरेट कलर बता दो जल्दी से, ब्लैक योर फेवरेट सिटी. सिटी या मुंबई. मुंबई मुंबई योर फेवरेट पर्सन इन योर लाइफ? आयान अयान. सेज आयान. अयान नहीं, ये तो फोर्स कर रहा है, अयान फोर्स कर रहा है. योर नहीं डैड आई सर. थिंक, राइट? या आई थिंक या माय डैड, या ही इज लाइक काइंड ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड. या ऑल राइट, दैट्स इट. अब पक्का अभी मैं जा रहा हूँ पक्का, अदरवाइज यू ठीक. ओके थैंक थैंक यू सो मच, यू, थैंक यू जन्नत, बाय. थैंक्स योर डैड. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड ओके डे. अभी तो स्टार्ट होगा ना, विल प्ले लूडो एंड ऑल ना टिल 2. All right, thank you so much. Bye-bye. Take care. Bye.